हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए आपको कश्मीर की एक कहानी दिखाते हैं। कश्मीर की घाटी में एक ऐसे रोबोटिक्स इंजीनियर की कहानी है जो 12वीं में 3 बार फेल हो चुका है। जो लोग पारंपरिक शिक्षा को शिक्षा मानते हैं उन्हें ये खबर जरूर देखनी चाहिए। इस तस्वीर में रोबोट और कंप्यूटर पर काम करते इस इंजीनियर का नाम है शेख नजीब शफी। क्या आपको यकीन होगा कि नजीब 12वीं में 3 बार फेल हो चुका है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। जो लोग पारंपरिक शिक्षा को ही असली शिक्षा मानते हैं उन्हें कश्मीर के नजीब की कहानी जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पर आपको जो है चीजें रटनी होती है, फिर उसके बाद वो चीजें बस आप एग्जाम पे वो पेस्ट करो, बस यही सब होता है। तो खास कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था, मानो पढ़ाई कहाँ हुई थी क्या हुई। तो नजीब को कंप्यूटर रोबोटिक्स में गहरी रुचि थी, तो स्कूल की पढ़ाई छोड़कर रोबोटिक्स सीखी और तरह तरह की चीजें बनाने लगे। इंसान का जो ये बाजू है इसको कॉपी किया था रोबोटिक, तो जो है जो भी मैं अपनी हाथ को करता बिल्कुल रोबोट की वो आर्म बिल्कुल वैसा ही करती थी। नजीब अभी बीटेक कर रहे हैं। नजीब को रोबोटिक्स में महारत हासिल है। वो रोबोटिक्स में स्टेट चैंपियन रह चुके हैं और अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं।